फुल बजट सेशन जो पहले हुआ करता उसी प्रकार से रखा गया है। और आपको सबको मालूम है कि कोरोना की स्थिति पर जितना ज़्यादा जांच करके और लोगों का इलाज करके बिहार की स्थिति बहुत ही इम्प्रूव किया है, लेकिन फिर भी आगे की स्थिति के प्रति भी पूरे तौर पर लोगों को सचेत रहना। और आप जानते हैं कि टीकाकरण शुरू हुआ, वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, दो खंड का चल रहा है। अब इसके बाद जो 50 साल से अधिक उम्र के लोग हैं और 50 साल के कम उम्र के लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उनका टीकाकरण कराया जाएगा। और ये टीकाकरण जो पूरे देश में कराया जा रहा है और यहाँ से वैक्सीन दूसरे जगहों पर भी गया है, तो इसका लाभ लोगों को मिल रहा है और लोग सुरक्षित होंगे, कोरोना का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा, वंचित होंगे, इसी को ध्यान में रख के सब काम किया जा रहा है। ये सब काम किया जा रहा है, सब लोगों के लिए किया जा रहा है, ये आप सबको पता है। वैसी स्थिति में ये देखा गया कि बजट का पूरा सत्र हम लोग रखेंगे और जो पहले से जिस प्रकार से सत्र की कार्यवाही होती थी उस तरह से सत्र की कार्यवाही होगी। सब लोगों को कॉन्शस रखने के लिए कहा जा रहा है विधानसभा और विधान परिषद में कि सब लोग मास्क लेकर के रहें और जो कुछ भी पहले से करना हर प्रकार से सचेत होकर रहें, तो वो किया जा रहा है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, सब लोग सचेत रहेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कोई कठिनाई नहीं। आरक्षण को लेकर एक नई बहस देश में छिड़ रही है कि जिन्हें एक बार आरक्षण का जिन्होंने लाभ उठाया उन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए, इस पर एक बहस छिड़ी है सर देश में। नहीं, हमको तो ये पता नहीं है कि ऐसी कोई बहस छिड़ी है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं बहुत पहले से लागू है, और केंद्र का भी नियम है वह भी पहले से लागू है जो आरक्षण का है। तो जो कुछ भी लोग और आर्थिक आधार पर जो लोग भी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, अनुसूचित जाति या जनजाति के नहीं है, वैसे लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रावधान नहीं चलेगा। हाँ, आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन की बात हो, जैसे दिल्ली, हम लोगों के यहाँ तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दो अलग आइडेंटिफाइड है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने, उन्होंने ये काम किया, वो चल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है, तो अगर उसमें भी विभिन्न प्रकार से लोगों को मिलेगा तो अच्छी बात होगी। तो उसके बारे में कोई अगर आकलन और अध्ययन चल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को वंचित करने वाली बात तो नहीं हो सकती। नहीं नहीं, वो सब चिंता वाली बात नहीं है। आप तो जानते हैं कि मेरे पास जो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो किसी भी दल के, चाहे MLA हो, MLC हो, लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य हमसे मिल सकते हैं और जो कोई भी मिलना चाहते हैं मिलने का समय देते हैं। तो आए थे अपने क्षेत्र की कुछ बातों को लेकर के, इसके अलावे और कोई बात कन्हैया तो हमसे भी पहले मिले, और उसके अलावे उनके जो पार्टी के MLA हैं वो भी हमसे मिले, तो जो लोग भी मिल सकते हैं। लेकिन कोई विशेष उनके समझ में अपने इलाके के बारे में कोई समस्या है, कोई काम है, उसी को लेकर के आते हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं। जातीय आधार पर आपने जनगणना जदयू ने कहा है लोकसभा में भी, क्या चाहते हैं कि? बिल्कुल, हम तो आज से नहीं, कई बार से, और सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, हम तो बार बार विधानसभा विधान परिषद से स्वीकृत करा करके केंद्र को भेज रहे हैं कि एक बार तो इसका होना ही चाहिए। और आप जानते ही हैं कि हम दो बार विधानसभा से पास करा करके, विधान परिषद से पास करा करके भेजे हैं केंद्र को। तो जाति आधारित जनगणना एक बार तो कर ही लेना चाहिए, पहले होता था और पिछले कई वर्षों से, आज़ादी के पहले से ही वो बंद हो गया, लेकिन हम लोग तो इसके बारे में कह रहे हैं ऐसा हो जाने से कम एक एक चीज़ की सही जानकारी मिल जाएगी, किस जाति के कितने लोग हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी निर्णय लेना बेहतर होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं। इसलिए हम तो शुरू से कह रहे हैं, और ये हम ही सिर्फ नहीं चाहते, पूरा का पूरा दो दो बार विधानसभा विधान परिषद सब ने इसकी मंजूरी दे करके भेजा। सर, विधानसभा सत्र से पहले की खाली सीटें भरी जाएगी सबसे पहले? आपको मालूम है कि हम सब चीज करना चाहते हैं, हमारे ऊपर ही विशेष राज नहीं मांगेंगे सर।